पन्नी के कुछ अधिकारी आए हैं जो कि 5,000 रुपए मांग रहे हैं, ना देने पे पन्नी के नाम पे दुकानदारों को चालान कर रहे हैं। कितने व्यापारियों का चालान हुआ? दो व्यापारियों का चालान कर चुके हैं और दो व्यापारियों से नाजायज तरीके से 5,000 रुपए ले चुके हैं। आज आप लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग यही विरोध कर रहे हैं कि जो पन्नी की बड़ी बड़ी फैक्ट्री आई है, जो पन्नी के बड़े बड़े होलसेलर हैं, वहाँ बंद कराएंगे। जहाँ से ये फ्रूट अधिकारी 10,000 25,000 रुपए महीने लेके और उन दुकानों से पन्नियां बिकवाने का काम कर रहे हैं। कानपुर में एक तरफ प्रशासन, नगर निगम पन्नियों पर रोक लगाने के चलते लोगों की दुकानों में, व्यापारियों की दुकानों में छापे मारकर पन्नियां बरामद कर रहा है, वहीं व्यापारी अपना रोना रो रहा है। उसका कहना है, जब इसके लिए कोई दूसरा साधन उपलब्ध नहीं है तो हम पन्नी में सामान बेचने को मजबूर हैं। उनका यह भी आरोप है कि पहले फैक्ट्रियों, जो प्लास्टिक फैक्ट्रियाँ हैं जो पन्नियाँ बना रही हैं, उनको बंद किया जाए, उसके बाद हम पे कार्रवाई की जाए। इसी के चक्कर में, इसी विरोध को लेकर के कलेक्टरगंज व्यापारियों ने हंगामा किया। यहाँ दो व्यापारियों के यहाँ नगर निगम की टीम ने पन्नियाँ पकड़ी, उन पर जुर्माना लगाया, जिसके बाद व्यापारी सड़क पर उतर आए। उन्होंने थाने सड़क पर जाम लगा दिया, थाने के बाहर हंगामा किया। आखिर में नगर निगम की टीम को ही झुकना पड़ा, उन्होंने उन व्यापारियों को चालान कैंसिल किया। इसके बाद उनको चेतावनी जरूर दी कि आगे से आप अपनी दुकान में पन्नियों में सामान नहीं देंगे। लेकिन व्यापारियों का सवाल भी जायज है कि जब हमारे पास दूसरा साधन नहीं है, लोग सामान लेने आएंगे तो उनको सामान दें किस चीज में? प्रशासन को इसका भी रास्ता निकालना चाहिए। रंजय सिंह, कानपुर तक।